देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 टिकट ऑलरेडी बुक हो चुका है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे। आज है 23 जनवरी और दिन है संडे। मैं अभी सोया हुआ था, ये बंदर उठा कर ले आया हमको कि हमको टिकट बुक कराना है, चलिए टिकट बुक कराने के लिए। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, अभी हम वीडियो ही बनाते हैं, लोग बोलते हैं टिकट ही बुक करना है, लोग सोचते हैं कि हम टिकट का ट्रेवल कंपनी खोले हुए हैं। बट क्या है, कुछ बंदे अपने खास होते हैं जिनको मैं अपना रेफरेंस देता हूँ तो टिकट सस्ता मिल जाता है उनको। वैसे ही हमारे राहुल भाई हैं, ये हमारे साथ में ही काम करते हैं, कलीग्स हैं हमारे। और कितना बंदा है? पूरे टोटल 5 बंदे का टिकट बुक कराने आए हैं आज। एक को जाना है बनारस, रियाद से बनारस, एक को जाना है रियाद टू पटना, और 3 लोग को जाना है कहाँ? दिल्ली, रियाद टू दिल्ली। तो राहुल भाई कब जाना है आपको? 25 फरवरी। आपके साथ और कौन कौन है? और 4 बंदे और हैं हमारे साथ। अभी इतना कोरोना केस बढ़ रहा है, घर जाना डर नहीं लग रहा आपको? वैक्सीन ले लिए? 25 जनवरी। अच्छा, ये आने वाला को 3rd डोज बूस्टर मिल गया? अपॉइंटमेंट? हाँ, अपॉइंटमेंट। चलिए ठीक है, ओके, अब जाते हैं हम लोग, बात करते हैं उनसे, अभी बीजी हैं भाई साहब। तो ये हमारे पास पासपोर्ट कॉपी है, 1, 2, 3, 4, 5। आप जब भी आए टिकट बुक कराने के लिए पासपोर्ट कॉपी लेके आए या पासपोर्ट का सॉफ्ट कॉपी लेके आए, क्योंकि टिकट बुक कराने टाइम में वो जरूरत होता है। सही ना भाई? जी बिल्कुल, पासपोर्ट की कॉपी साथ लेके आए। जी भाई, तो आपके पास क्या सर्विस है सबसे पहले बताइए। हमारे पास सब टाइप्स अवेलेबल हैं, पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है, फिर इंडिया के लिए अवेलेबल है, ढाका के लिए, मतलब बांग्लादेश, मतलब टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड जो है हमारे पास अवेलेबल है टिकट्स वगैरह। उसके अलावा आपको होटल बुकिंग चाहिए वो भी मिल जाएगी, अभी जो हम आए हैं टिकट लेने के लिए। ये मेरे पास 5 बंदे हैं ना, एक का टिकट है रियाद टू पटना जी, क्या कॉस्ट है इसका भी आपके पास? ये 750,000, ये मतलब 50,000 में आपको टोटल विद मील के साथ मिल जाएगी। 40 kg इसमें वेट होता है और 7 kg हैंड कैरी। 750 में आपका मतलब टिकट है और फूड है? हाँ, फूड है। पीसीआर टेस्ट भी है? पीसीआर टेस्ट। और तो नहीं, एयर इंडिया और सप्लाई नहीं, सबसे चीपेस्ट जो है ना इंडिगो है अभी। अच्छा, अवेलेबल तो सब फ्लाइट्स हैं लेकिन जो सबसे चीपेस्ट है वो इंडिगो है। तो हमारा था, एक था रियाद से बनारस और 3 है रियाद से दिल्ली और एक है रियाद टू पटना जी। उधर क्या कॉस्ट है? रियाद से पटना जो है ना वो 700 रियाल की है विद मील के साथ, और उसमें अगर आपको एक्स्ट्रा बैग चाहिए तो वो सेम ही प्राइस में हो जाएगी। मतलब रियाद टू दिल्ली भी 700 रियाल, रियाद पटना 700 रियाल है भाई, जिसको जाना है पटना 700 रियाल में पटना में टिकट मिल रहा है। भाई हमारे पास बहुत से बंदों का कमेंट आता है कि कुछ बंदे जो वीडियो देख रहे हैं वो रियाद, जिद्दा, दमाम कहीं से देख रहे हैं, जो रियाद में है वो तो आपके पास आ जाएंगे, जो दूर से देख रहे हैं तबुक से, तैत से, दमाम से, जिद्दा से, और उनको टिकट लेना होगा आपसे, कैसे लेंगे वो आपसे? उनका कोई मसला नहीं है, अगर जो रियाद में है वो तो आके पे करके ले सकते हैं, और जो रियाद से बाहर हैं या रियाद से दूर हैं उनको हम या तो वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें पेमेंट, अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अगर उनका कोई दोस्त वगैरह इधर है तो ऑफिस में आके पे करके अपना टिकट परचेज कर सकते हैं। तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर और जो डिटेल्स है मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। और अभी जो आप जो बोले थे पहले, जो एयर इंडिया का टिकट जो था इंडिया से आने का, क्या कॉस्ट उसका? उसका वो 1200 रियाल का मिलेगा आपको डायरेक्ट इंडिया से रियाद का, एयर इंडिया का। रियाद टू दिल्ली? दिल्ली से रियाद। और लखनऊ से रियाद? वो चेक करना पड़ेगा। बम्बई से रियाद, हैदराबाद से रियाद? भाई थोड़ा चेक कर रहे हैं। और एक बात और आप लोग को बता दें, जो टिकट प्राइस जो है वो फिक्स नहीं होता है, टिकट प्राइस जो है अप डाउन होता रहता है, कभी कम कभी लो हो सकता है, अभी 700 रियाल है, कभी बाद में फ्यूचर में आएंगे तो 600 भी हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये हर टाइम का होता है ना, ये अप डाउन होता रहता है, इसलिए टिकट प्राइस फिक्स नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं हम वीडियो देख के आपके गए वहाँ पे, उन्होंने
पैसा ज्यादा ले लिया, ऐसा बात नहीं है। वो दाम हैदराबाद से रियाद का जो है ना वो आपको 1550 रियाल का मिलेगा। कौन सा रियाल सर? ये एमिरेट्स एयरलाइन भी है, इंडिगो भी है, और सऊदी एयरलाइन अगर डायरेक्ट चाहिए तो आपको 1650 रियाल का मिलेगा डायरेक्ट हैदराबाद से रियाद। बहुत सारे लोग का सवाल ये है कि जो फ्लाइट भाया आ रही है जैसे दुबई से या कुवैत से या कतर से आ रही है, जैसे सपोज दिल्ली से जाएगी यूएई दुबई के, दुबई से रियाद आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक तो ये कोविड-19 चल रहा है उसमें ऐसी अगर सिचुएशन हो जाए कि एमिरेट्स मतलब जो दुबई है वो अपनी फ्लाइट्स वगैरह बंद कर दें तो फिर मसला होगा, क्योंकि जब दुबई बंद हो जाएगा तो फिर लोकल फ्लाइट इंडिया से दुबई नहीं आएगी, तो दुबई से आके फिर रियाद में भी। अभी ये टिकट बताए हैं उनके लिए जो वैक्सीन लिए सऊदी अरब में, दो वैक्सीन जिन्होंने सऊदी अरब से ली है वो डायरेक्ट ये फ्लाइट को लेके आ सकते हैं, जिन्होंने एक वैक्सीन यहाँ से ली है और एक वैक्सीन इंडिया से ली हुई है उनको 3 दिन क्वारंटाइन पैकेज चाहिए। एक यहाँ और एक इंडिया में, उनके लिए 3 दिन है। जो वैक्सीन दो लिए इंडिया में उनके 5 दिन है, उनके लिए 5 दिन। ये 3 दिन का कॉस्ट है, 5 दिन का कॉस्ट है, ये डिफरेंट है, ये हर एयरलाइन के होटल्स पे डिपेंड करता है और प्राइस पे डिपेंड करता है कि टिकट का प्राइस क्या है और होटल की प्राइस क्या है। ये मैक्सिमम जो है ना आपको 5 दिन वाला जो है ना वो 4200-4300 तक मिल जाता है। खाने पीने सब इसमें सब कुछ होता है, और इसी हिसाब से आप लगा लें जो 3 दिन वाला होगा वो 3500-3700 तक आपको मिल जाएगा। वो अप डाउन होता है क्योंकि टिकट के फेयर पर डिपेंड करता है कि कौन सी एयरलाइन है, उसके होटल उस हिसाब से होते हैं, कुछ 2 स्टार होते हैं, कुछ 3 स्टार होते हैं, उस वजह से फिर आपको। ये जो आप बता रहे 3700 बता है जी, जो वैक्सीन यहाँ लिए एक इंडिया में, तो उसमें क्या PCR इंक्लूड है? इसमें 2 PCR टेस्ट होते हैं यहाँ से जो इधर आते हैं, इंक्लूड है इसमें, जी इसमें इंक्लूड है, और पिक करते हैं एयरपोर्ट से। हाँ, और उसमें 5 दिन जो है उसमें 3 दिन वाले में 3 टाइम मील भी होता है इसमें। ये होटल है 2 स्टार जो होते हैं वो अपार्टमेंट होते हैं, जो 3 स्टार होते हैं वो होटल होते हैं। ठीक है, तो कुछ और जानना है तो आपको कमेंट कीजिए, नेक्स्ट टाइम उसका ब्लॉग वीडियो बनाएंगे, तब तक जो है इनका टिकट बुक करिए, ये इसका टिकट बुक कीजिए। तो राहुल भाई आप तो खुश है ना, तुमने टाइम जाया कर दिए एक दो घंटा कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं भाई साहब लगे हुए। भाई क्या नाम है आपका? कमर। कहाँ से है? पाकिस्तान से है? पाकिस्तान से। अच्छा, ये आपका ये कौन सा जगह पर, ये आपका कंपनी ट्रेवल कंपनी? समय से पड़ता है, तो भाई हम लोग इनका लोकेशन भी डाल देंगे, आइए इनको सपोर्ट कीजिए आप लोग। टिकट बुक हो गया है, अब पैसा काउंट हो रहा है, फाइनल पेमेंट। क्या हो गया, ताश का पत्ती खेलने का? इतना टिकट मिल गया? 5 टिकट मिल गया भाई। 5 टिकट हो गया? सही है, 5 टिकट। अच्छा, तो देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 टिकट ऑलरेडी बुक हो चुका है हम लोग का। ये लीजिए 5 टिकट आपका हो गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात है वो बताते हैं। घर जाने से पहले आपका फ्लाइट है 25 को, तो 23 को कराना PCR टेस्ट। PCR टेस्ट जो है आप फ्लाइट से 48 आवर बिफोर करा सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी होती है 72 आवर्स। तो आप इनका फ्लाइट है आपका 25 का, तो 23 को आके PCR टेस्ट जो है हॉस्पिटल में जहाँ होता है वहाँ करा लीजिए। जो PCR टेस्ट है डिपेंड ऑफ द हॉस्पिटल है, किसी में 80 रियाल है, किसी में 100 रियाल, किसी में 26 रियाल है, ये चार्ज है। उसके बाद PCR टेस्ट होने के बाद जब रिपोर्ट आ जाएगा तो आपको भरना है क्या है, एयर सुविधा फॉर्म एकदम ज़रूरी है। अगर आप इंडिया ट्रेवल कर रहे हैं तो अभी आप जब एयरपोर्ट पे जाएंगे यहाँ से सऊदी से जाएंगे इंडिया, तो एयरपोर्ट पे पहले आपका चेक होगा PCR टेस्ट और टिकट, तो आपको मिलेगा बोर्डिंग पास एयरपोर्ट पे। जब इंडिया पहुँचेंगे किसी भी एयरपोर्ट पे इंडिया में, तो वहाँ पे आपका मांगा जाएगा एयर सुविधा का जो फॉर्म है वो मांगा जाएगा, उसके बाद आपको एयरपोर्ट से छोड़ा जाएगा बाहर। एयरपोर्ट पर डिपेंड पड़ता है कि वहाँ पे कोरोना टेस्ट होगा या नहीं होगा। जैसे हमारे कुछ बंदे पहले गए थे, उनका हमने वीडियो बनाया था Riyadh to Lucknow का, Riyadh to Delhi का, तो वहाँ पे PCR टेस्ट नहीं हुआ था, उन लोगों को डायरेक्ट छोड़ दिया था। क्या राहुल भाई आप? अब जाएंगे हमारे राहुल भाई, तो अपडेट करेंगे क्या हो रहा है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। ज्वाइंट टिकट बहुत सस्ता है। हाँ सही बात है, कंपेयर टू डायरेक्ट Riyadh to Delhi वो महंगा है, Riyadh to Patna, Riyadh to Banaras वो सस्ता है। Riyadh to Delhi मिला 750 में और Riyadh to Patna भी मिला 750 में। डोमेस्टिक कहीं का भी लेना वो इंडिया में सस्ता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।